प्रदेश के मऊ जनपद में रात 2 बजे से लगातार तेज बारिश से एक तरफ लोगों ने राहत ली तो दूसरी तरफ घर में रहना मुश्किल साबित हो रहा है। मऊ जनपद के वार्ड नंबर 38 नवापुरा में लोगों के घर में तेज बारिश का पानी अंदर तक जा पहुंचा है। करीब 20 घर में पानी भर गया। बुनकर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण लूम के पास पानी चले जाने के कारण लोगों को रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। वहीं मूल्यवासियों ने बताया कि पानी भर जाने के कारण लोग नहीं चल पा रहा है, घरों में रहना मुश्किल साबित हो रहा है। नाली की पानी लबालब गलियों से भरा है। बरसात से पहले हम लोगों ने इसकी सूचना नगरपालिका अध्यक्ष सैयब पालका से की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। आज उनका खामियाजा हम मोहल्ले वालों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग को करना पड़ता है। बहुत बोले नगर पालिका से, लेकिन नहीं आए यहाँ पर, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। बहुत गंदगी हो गई थी यहाँ पर, भर गया था पानी, एकदम जाम हो गया था, सभी लोगों के घर में पानी जा रहा था, इसीलिए हम लोग अपने से कर रहे हैं। कोई कर्मचारी यहाँ पर अभी तक आए नहीं है। हम लोग मेंबर की यहाँ की शिकायत करे थे और चेयरमैन साहब की शिकायत करे थे, और फिर यहाँ के कर्मचारी जो है कोई नहीं शिकायत कोई नहीं आया, नहीं आया अभी तक। मेंबर का वार्ड नंबर 38 है। और यहाँ पे नाले की सफाई न होने के कारण ये पानी ओवर हो गया था और तमाम अगल बगल लोगों के घर में घुस गया था पानी, जिसके वजह सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पे साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। आप अगल बगल जाकर देखिए, बगल में ही आपके देखिए एक कम से कम 3-4 महीना हो गया है, सारे नली का ईटा उखाड़ के, गली का ईटा उखाड़ के वहीं पर छड़ा हुआ है। पूरा त्यौहार बीत गया, ईद बीत गई, रमजान बीत गया, लेकिन कोई उसको सुनने वाला नहीं है। और पर हमने चेयरमैन साहब को भी दिखाया था, चेयरमैन साहब का मोबाइल यहाँ पे मुशारा हुआ था, उसके लिए आए थे, तो हमने चेयरमैन साहब को दिखाया था कि भाई इस तरह से इसके बिल फैला रहेगा, तो सारा रास्ता डिस्टर्ब होता है, कभी आना नहीं। जी, चमनपुरा में एक मामला आया है जिसको लेकर के 8-10 घंटा लगातार बारिश हुई है, इसको लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वहाँ के लोगों क्या कहेंगे इसको लेकर? ये मानसून की पहली बारिश थी और रात से लगातार 2:30 बजे से बारिश लगातार बारिश हो रही है, और सिर्फ जमालीपुरा में शहर के बहुत इलाकों में बहुत पानी जल जमा हो गया। उसके लिए निपटने के लिए हमने टीम बनाई है और हर जगह लगे हुए हैं। जैसे हमें सूचना मिली कि जमालपुरा में पानी का जल जमा हो गया है, गली में अंदर कहीं नहीं है जल जमाव है, मगर यह कि बंधे के किनारे जल जमाव, रेगुलेटर में कुछ बाधा उत्पन्न होने की वजह से वो पानी का जल जमा हो गया था। रेगुलेटर से बाधा को दूर कर दिया गया है और वहाँ पर नियमित कर्मचारी लगा दिए गए हैं कि हमेशा रेगुलेटर को साफ रखें, पानी का जल जमाव नहीं होगा। और हमने जनता से भी अपील की है कि आप कूड़ा करकट को नालियों में न फेंकें, इधर उधर कूड़ा न फेंकें, कूड़ा उठ जाने के बाद कूड़ा न डालें और निश्चित स्थान पर ही कूड़ा डालें, निश्चित जो हमारे पार्ट हैं उसी पे कूड़ा रखें। और बारिश होने के बाद वो सारी नालियों में चला जाता है और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दिन भर जो कूड़ा फेंका जाता है उससे किस तरह से निजात मिले, जनता को भी सोचना पड़ेगा। और जनता से यही अपील करेंगे कि सुबह को कूड़ा उठने के बाद दोबारा कूड़ा न फेंकें, अपने घर में जो हमने नगर पालिका द्वारा बाल्टियां जो पार्ट हरा और ब्लू हमने पार्ट दे रखा है, बाल्टी दे रखी है, उसमें कूड़ा रखें। दूसरे दिन उस कूड़े को हमारा जब डोर टू डोर कलेक्शन करने जाता है तो उस कूड़े को दे दिया करें। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।